Co जैसा कि आप लोग फेमिलियर हैं कि डिमांड बेसिकली इंडिकेट करता है विलिंगनेस एंड और प्राइस, एंड प्राइस और जब आप लॉ ऑफ डिमेंड की बात करते हैं तो वहां पर लॉ ऑफ डिमांड क्या है दैट इज बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वानिटी डिमांड इस डायग्राम में हम वो यूजुअल जो यूज एक एग्जांपल लेते हैं कि जी क्वांटिटी डिमांड फॉर एप्पल्स और प्राइस ऑफ एप्पल्स के दरमियान एक एसोसिएशन की हुई है जी प्राइस ऑफ एप्पल्स इज इक्वल टू देन डिमांड फॉर एप्पल्स इज इक्वल टू टू के जी और अगर प्राइस ऑफ एप्पल्स फाइव रुपी हो जाए देन क्या हो रहा है देयर इज इंक्रीज इन डिमांड फॉर एप्पल्स इंक्रीज डिमांड फॉर एप्पल्स बिकम्स फोर के जी एंड दिस मूवमेंट

परसेंटेज चेंज इन वन वेरिएसेंटेज चेंज इन एन अदर वेरिएबल आप इसको यूं भी कह सकते हो कि परसेंटेज इन क्वानिटी डिमांड परसेंटेज इन प्राइस मैं इसको ये भी कह सकता हूं कि परसेंटेज चेंज इन क्वॉंटिटी डिमांड बिकॉज ऑफ परसेंटेज चेंज इन इनकम मैं इसको यू भी कह सकता हूं कि परसेंटेज चेंज इन क्वानिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी ए बिकॉज ऑफ परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी बी और जब आप इन सबको मैयर करते हो वो यूजर करोगे एट पॉइंट ए हम कहेंगे दैट इज दी अगर मैं उसको मैयर करूं एट पॉइंट बी वो भी क्या होगी अगेन दैट इज पॉइंट इलास्टिसिटी लेकिन जब आप आर की इलास्टिसिटी की बात करते हो दैट इज इलास्टिसिटी बिटवीन टू पॉइंट इज द इलास्टिसिटी बिटवीन बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी जब आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हो वहां पर यूजली क्या है वहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटीज की हम बात करते हैं ऑन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमैंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमैंड एंड क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड

प्राइस और जब आप इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करोगे तो यूजुअली वी गेट अ पॉजिटिव नंबर जब आप क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करोगे तो कभी तो ये आपके पास पॉजिटिव नंबर आएगा कभी ये नेगेटिव नंबर आएगा ये किस चीज पर डिपेंड करेगा ये डिपेंड करेगा कि नेचर ऑफ कमोडिटीज क्या हैं कॉम्प्लीमेंट्स के लिए क्या होता है कि आपके पास क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक नेगेटिव नंबर आएगा और जब आप सब्सिट्यूट की बात करोगे वहां पे क्या होगा क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपके पास एक पॉजिटिव नंबर आएगा और ये जो सारे कॉन्सेप्ट हैं ऑन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये सारे हम यूज करेंगे टू मैय दी इलास्टिसिटीज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज और ये एज अ होल अब कह लें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू मेक अ डिसीजन मेकिंग वो डिसीजन मेकिंग कौन कर सकता है वो आपके पॉलिसी मेकर्स करते हैं वो आपके कंज्यूमर्स करते हैं वो आपके फार्मर्स करते हैं सो डिमांड इलास्टिसिटी फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा फॉर द डिसीजन मेकिंग ऑफ नॉट ओनली फार्मर्स बट आल्सो बाई अदर पॉलिसी मेकरस